अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हज का पुरबहार मौसम है। हाजी लोग हज करने के बाद अपने घर आने की तैयारियों में हैं। हदीस पाक में है कि हज करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे वो अपनी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। रिवायत में आता है कि हाजी की भी मगफरत हो जाती है और जिसके लिए हाजी ने सिफारिश की है यानी कि दुआ की है उसकी भी मगफरत हो जाती है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। दोस्तों, ये बात यकीनन दुरुस्त है कि साहिब इस्तेताअत पर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। कितना? ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है और क़ुरान पाक की तज़ीम पूरी ज़िंदगी फ़र्ज़ है। हाँ, इस बात का ख्याल रखें। हमारे दिलों में बसने वाली अजीम व शान किताब क़ुरान पाक की जो हुज्जाज इकराम ने बेहरमती की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। क़ुरान पाक की तज़ीम हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है और उसकी तौहीन हर मुसलमान के लिए तकलीफ दे है। दोस्तों, हुज्जाज इकराम मक्का शरीफ में इकट्ठा थे। इसी बीच में एक साहिब आए, उन्होंने ऐलान किया कि क़ुरान पाक जिसको चाहिए वो मुझसे ले ले। जैसे ही क़ुरान पाक का गत्ता जनाब ने खोला, आप देखें स्क्रीन पर, तो ऐसे भीड़ लग गई जैसे इंडिया में न्याज जब बांटी जाती है, शादी के छुआरे बढ़ते हैं या लड्डू बढ़ते हैं, तो गत्ता खुलने से पहले ही चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जब गत्ता खुलता है तो ज़रा सी देर में लड्डू छुआरे हुर हो जाते हैं। और जब छुआरे छीने जाते हैं यानी कि लड्डू छीनते हैं ये लोग, छीना झिपटी में आधी न्याज ज़मीन पर गिरती है। वही हाल हुज्जाज इकराम का है। मुझे लग रहा है कि ये हुज्जाज इकराम इंडिया से ताल्लुक़ रखते होंगे। जिस तरह से इन्होंने कुरान पाक की छीना झपटी मचाई है, कुरान पाक की हुरमत का भी ख्याल नहीं रखा, उसकी ऐसी बेहरमती छीना झपटी, वो उधर से छीन रहा है, वो उधर से छीन रहा है। बांटने वाला कह रहा है सबको मैं दे दूंगा एक एक, लेकिन इन लोगों को सब्र ही नहीं है। कुरान पाक को इन्होंने न्याज बना लिया। इसी बीच में कई कुरान पाक ज़मीन पर भी गिर गए। आप देखें इस तरह से कुरान पाक की बेहरमती की है। 4 लाख या 5 लाख या 3 लाख, अपने अपने मुल्क के हिसाब से बता रहा हूँ, खर्च करके हज किया, ज़रा सी देर में बेकार कर लिया। ये कुरान छोटी मोटी किताब नहीं है, अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की मुकद्दस किताब है, ये आसमानी किताब है। इसकी हुरमत का, इसकी अज़मत का ख्याल रखना चाहिए। कुरान पाक तो वो किताब है जिस नबी पर उतरा वो सब नबियों का सरदार है। जो फरिश्ता लेकर आया वो फरिश्तों का सरदार है। जिस महीने में उतरा वो महीनों का सरदार है। जिस रात में उतरा वो रातों की सरदार है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ऐसी किताब जिसकी खुद जिम्मेदारी रब ताला ने ली है, अल्लाह की मुकद्दस किताब, हुज्जाज इकराम ऐसी उसकी बेहरमती कर रहे हैं कि देखने के बाद तकलीफ़ हो रही है। आप देखिए।